हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चेंजिंग बिहेवियर फॉर गुड हेल्थ एंड बेटर एनवायरनमेंट। अच्छी सेहत और अच्छे जो हमारा एनवायरनमेंट है माहौल के लिए हमने अपने बिहेवियर को किस तरह से चेंज किया, ठीक है। तो अक्सर आप लोग देखते हैं कि जितना भी माहौल खराब होता है वो हमारी बुरी आदतों की वजह से, और हमारी सेहत खराब होती है वो भी हमारी बुरी आदतों की वजह से होती है। हम सुबह जल्दी नहीं जागेंगे, हम नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि वो जो जितना भी वो मैल है वो हमारे मुंह में चली जाती है। हम अक्सर बच्चे नाखून नहीं काटते हैं, ठीक है। नाखून काटने से ये नहीं है कि भाई आपको हम थप्पड़ लगाएंगे तभी नाखून काटोगे। अब जब आप नाखून काटोगे तो आपके नाखून साफ रहेंगे और आपकी गंदगी जो है वो पेट में नहीं जाएगी और आप बीमार नहीं होंगे, ठीक है। एक तो आपके हाथ जो है वो भी अच्छे दिखेंगे कि बच्चे ने नाखून काटा हुआ है, ठीक है। और दूसरी आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से क्या करते हैं बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वो अपने कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कागज़ फेंक देते हैं जी बाय, ठीक है। डस्टबिन के अलावा के बजाय ऐसे ही फेंक देते हैं, तो दैट इज़ बैड बिहेवियर। वो क्या है? बैड बिहेवियर है। अगर आप उसको जो चीज़ खाई है आपने तो वो कागज़ अगर आप डस्टबिन में डाल देते हैं और फिर प्रॉपर जब डस्टबिन भर जाता है और उसको आप अच्छी तरह से डिस्पोज करते हैं, दैट इज़ गुड बिहेवियर, ठीक है। उससे आपकी सेहत भी बची रहेगी, माल मवेशी की सेहत भी बची रहेगी और आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। इसी तरह से आप शादियों में जाते हो, ब्याह शादियां होती हैं, तो वहाँ क्या करते हैं कि बच्चे रोटी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, बड़े सारे, तो वो क्या करते हैं आधी रोटी तकलीफे गिराते हैं ना। तो उससे क्या होता है कि बच्चे कोई भी चलेगा, बच्चा चलेगा, बड़ा चलेगा, उसके ऊपर चढ़ेगा और गड़ल जाके गिर जाएगा, है ना। एक तो उसके कपड़े खराब होंगे, दूसरा वो गिरेगा भी, और तीसरा क्या है उससे क्या होगा, नुकसान होगा, होगा ना। और उस तरह की रोटी खाना और छोड़ देना दैट इज बैड बिहेवियर, ठीक है। अगर हम उतनी ही रोटी लेते हैं जितनी हमें पचती है, उतनी खा के हम अच्छी तरह से अपनी जो बर्तन है उनको अच्छी जगह पे रख देते हैं और साफ सफाई रखते हैं, दैट इज गुड बिहेवियर, ठीक है। और उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी बेटर बने, ठीक है। और मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मानो हम जंगल से इंदर लाते हैं या दरख्त काटते हैं, सिर्फ हम काटते ही हैं लगाते नहीं, तो दैट इज़ बैड बिहेवियर, ठीक है। हमें अपनी जरूरत के अनुसार काटते भी हैं, लेकिन एक काटते हैं तो 10 लगाने, ठीक है। और जब हम एक काटते हैं और 10 लगाते हैं तो उससे हमारा इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है, ठीक है। वो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है ना। तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन ही कौन देगा, तो सीधी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी सेहत को भी क्या होगा और हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या होगा, वो आप सब बेटर जाए, ठीक है। तो इस मसला ये जो है ये बहुत लेंथियस टॉपिक है और इस मसले पे कल जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आने हैं और उन्होंने डिस्कस करना है। तो जितना हो सकता है आपने इसके बारे में सोचना है कि हाउ वी चेंज अवर बिहेवियर फॉर अवर गुड हेल्थ एंड बेटर एनवायरनमेंट। कि अगर हमारा जो बिहेवियर है वो अच्छा होगा तो हमारी सेहत भी ठीक होगी और हमारा माहौल भी ठीक हो। है आप बिहेवियर को इस तरह भी ले जा सकते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है, आप किसी को गाली देते हैं तो अपना ही खून उबलता है ना, तो साइड वाइड सुनने वाले को भी गंदा लगता है, यार क्या बकवास कर रहा है ये बंदा, है ना। तो उससे इन्वायरमेंट भी खराब होता है ना हमारा, होता है ना। तो इसीलिए अगर आप किसी को बड़े खुशहाल तरीके से बोलेंगे, खुश होकर बोलेंगे, तो माहौल भी शांत रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। आप किसी भी एंगल से इस चीज को देख लो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेटर टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।